प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर को नोएडा आएंगे, उनके कार्यक्रम की बात करें तो सेक्टर 62 में कार्यक्रम है, सुबह का कार्यक्रम है। 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री NH-24 का जो चौड़ीकरण का प्रयास था और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास की बात थी, उसकी शुरुआत कर देंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी यहां पर एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के दौरे की वजह से नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मोदी के दौरे की वजह से सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली एजेंसियां अलर्ट पर हैं। कार्यक्रम स्थल का एसपीजी, पुलिस के अधिकारी, आईबी वाले जायजा ले चुके हैं। यहां 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, करीब 200 लोगों की ड्यूटियां लगाई गई है। हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा ने रिपोर्ट हमें दी है उसकी। इस वक्त हम नोएडा के डी पार्क में हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा। आप देख सकते हैं यहां पर कितने बड़े स्तर पर हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बनाने का काम यहां पर जारी है। अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो तमाम तरह की जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, यूपी पुलिस है, वो यहां पर मौजूद है। जिस जगह नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा वहां पर आप देख सकते हैं कि कितना माइन्यूटली यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं एसपीजी के लोग। दरअसल जब हेलीपैड बनता है तो उनको इन स्कैनर के जरिए ये देखने की कोशिश होती कि ज़मीन के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसमें एक्सप्लोसिव हो। तो कहीं ना कहीं ये डिटेक्ट हुआ है हेलीपैड बनने के बाद कि ज़मीन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ थी जो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर रही थी। तो हेलीपैड को दोबारा से खोदा गया है और ईंट हटाकर देखा जा रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो डिटेक्ट हुई है। और मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो डॉग्स स्क्वाड है उसकी भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। जब तक प्रधानमंत्री यहाँ पर आ नहीं जाएंगे और यहाँ से चले नहीं जाएंगे, 24 घंटे ये जो पूरा का पूरा एरिया है डॉग स्क्वाड की निगरानी में रहेगा। इसके अलावा जो एसपीजी के लोग हैं और यूपी पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन सभी की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है। कुल मिलाकर सुरक्षा का जो इंतज़ाम है वो बेहद पुख्ता किया गया है। रूफ टॉप ड्यूटी यहां पर लगाई गई है। जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है सभी जगह पर पुलिस के शार्प शूटर रहेंगे। कोई भी जो अनैतिक गतिविधि होगी उस पर वो पूरी तरह से अपनी निगाह रखेंगे। नोएडा से कैमरामैन पीयूष के साथ अनुराग चड्ढा, India 24/7। और अब खबर बिहार से। दरभंगा के इंजीनियर मर्डर केस में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। इससे पहले आज दरभंगा में मारे गए इंजीनियर ब्रजेश कुमार सिंह के परिवार ने आत्मदाह की धमकी दी। परिवार ने कहा कि अगर उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उन्हें इंसाफ नहीं मिला, तो वो ठोस कदम उठाएंगे। मारे गए इंजीनियर का परिवार इंसाफ और वाजिब मुआवजे की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को सड़क निर्माण का जायजा लेने के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने इंजीनियर का कत्ल किया था। ब्रजेश कुमार सिंह रोहतास के रहने वाले थे। पुलिस को शक है कि हत्याकांड के पीछे उत्तर बिहार के कुख्यात संतोष झा गिरोह के सदस्य का हाथ है। बिहार को लेकर हो रहे बवाल को लेकर लालू प्रसाद यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। लालू ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि बिहार सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देगी, उनसे डरने की जरूरत नहीं है माहौल से। मामले को लेकर हो रही सियासत पर लालू ने कहा कि इंजीनियर्स की हत्या पर सियासी रोटी नहीं सेकनी चाहिए। लालू ने कहा कि थाने से लेकर एसपी तक की जिम्मेदारी अब इस मामले में तय होगी। में लगे हुए अभियंताओं की कुर्बानी को बेकार नहीं जान दिया जाएगा और अपराधियों के मंसूबा और उनके जबड़ा को सरकार कानून के तहत सख्ती के साथ। ये अपराधी संतोष झा गिरोह सीतामढ़ी का पूरा मिथिलांचल इलाका से कई जगह इससे गिरोह फैले हुए हैं। वहीं केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार गवर्नमेंट पर बोला है कि बिहार में डर और आतंक का माहौल बन गया है, इसकी वजह से कोई भी कारोबारी बिहार का रुख नहीं कर रहा है। इसकी जिम्मेदारी खुद नीतीश कुमार को लेनी चाहिए। अब बीमारी क्या कहते हैं बिहार में, क्या कहते हैं हो गया है संक्रामक रोग जिसको कहिए कि जहां जाइए वही रंगदारी। तो ये तो रंगदारी की सरकार बन गई है, हत्यारी सरकार है। और हमारे पास में कोई शब्द नहीं है कि हम इसकी कितनी निंदा करें। वहीं दिल्ली में इवन ऑड फॉर्मूले को लागू करने की कवायद तेज हो गई है। जनवरी से लागू होने वाली योजना को लेकर दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 31 दिसंबर को इवन ऑड योजना का ट्रायल होगा। आज से इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी गाड़ियों के लिए स्टिकर जारी करने का काम शुरू कर दिया है। ऑड इवन फॉर्मूला सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू होगा। रविवार को ऑड इवन दोनों नंबर वाली गाड़ी सड़कों पर उतर सकेंगी।
जी, हमारे को नोटिफिकेशन मिल चुका है, उसको हमने स्टडी कर लिया है। जहां तक हमारा सवाल है, हमारा काम लॉ एनफोर्समेंट का है, तो हमें उसकी मेरिट्स या डीमेरिट्स में नहीं जाना। 10,000 सिविल डिफेंस वॉलेंटियर वॉलेंटियरली काम करेंगे चौराहों पर और आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे। जो इन्फोर्समेंट विंग ट्रांसपोर्ट की जो टीम है उनका लिस्ट उनके पास जाएगी, उनसे कोऑर्डिनेशन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में तेजी से बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब मास्क की डिमांड तेजी से बढ़ी है और यही वजह है कि अब बाजारों में मास्क की कई कैटेगरी आ चुकी है। इनमें सोलर मास्क की डिमांड सबसे ज्यादा है। 100 रूपये से लेकर 750 रूपये की कीमत वाले मास्क मार्केट्स में अवेलेबल है। सोलर मास्क बनाने वाले संजीव कपूर कह रहे हैं कि सोलर मास्क पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन प्रूफ है और इसमें लगा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर शरीर के अंदर धूल और धुएं को जाने से रोकता है। इस फिल्टर से ना तो धूल पार हो सकती है और ना ही बदबू, और तो और आग भी इसे जला नहीं सकती है। इसकी दूसरी बड़ी खासियत यह है कि कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद जब यह गंदा हो जाए तो इसे आधे से एक घंटे तक सूर्य की रोशनी में रखने से यह फिर से पॉल्यूशन फ्री और रिएक्टिव हो जाएगा। सोलर मास्क को लोग काफी पसंद करें, खासतौर पर मास्क बुजुर्ग और युवा ये अपना रहे। लोग कह रहे हैं कि अगर आपको खुली हवा में चलना है तो इसके लिए जरूरी है कि आप ये मास्क लगाकर चलें, तो आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, बेहतर रहेंगे। सर, वजह बिल्कुल बेसिक से ही आप जानते हैं दिल्ली में आजकल पॉल्यूशन कितना हो रहा है, राइट? तो इसको लगा के पॉल्यूशन से बचने के लिए हमने ये मास्क खरीदा है। ये हेलमेट के नीचे इजीली इसको ऐसे करके आप लगा सकते हैं और पॉल्यूशन से बच सकते हैं। दिल्ली और NCR की आबोहवा लगातार जहरीली होती जा रही है। तमाम हेल्थ रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि अगर आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो आप हर दिन अपने शरीर को बीमार बना रहे हैं। और तो और हर रोज दर्जनों मौतें अकेले एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं और यही वजह है कि अब दिल्ली और NCR में मास्क का चलन तेजी से बढ़ रहा है। और इस समय सबसे ज़्यादा जो सोलर मास्क है, सोलर मास्क सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है और माना जा रहा है कि इस मास्क को लगाने के बाद आप खुली हवा में भी पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आखिर ये सोलर मास्क क्या है और दूसरे मास्क की कितनी जरूरत है? हमारे साथ हैं सर संजीव जी। संजीव जी, एक चीज ये बताइए, ये जो मास्क हैं कितने इफेक्टिव हैं आज के जिस तरह से पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है? सर, ये फुली इफेक्टिव हैं, 100% इफेक्टिव हैं। ये जितने भी सोलर मास्क आपके सामने रखे गए हैं ये रीयूजेबल मास्क हैं जो एक्टिवेटेड कार्बन फैब्रिक फिल्टर मीडिया से बने हुए मास्क हैं। और ये जो फिल्टर मीडिया है ये जितने भी 0.3 माइक्रोन के पार्टिकुलेट्स जो हैं उनसे ही आप तो दिल को झकझोड़ कर रख देने वाली ये वारदात छत्तीसगढ़ के दुर्ग की है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की भी बात करेंगे। दुर्ग में एक पिता पर अपने 2 महीने के बेटे की हत्या का आरोप है। मामला गंजपारा बेलदार का है। आरोप है कि राकेश ठाकुर नाम के शख्स ने नशे की हालत में अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और 2 महीने के बेटे को पीटा और इतना पीटा कि उसकी हत्या हो गई, फिर गड्ढे में दबा दिया। अंजाम इस पूरी वारदात को देने के बाद ये फरार है। वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक महिला पर अपने करीब 1.5 साल के बच्चे को जहर देने का आरोप है और यह आरोप लगाया खुद बच्चे के पिता ने। यूपी के मुरादाबाद से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली खबर आई है। या नौकरी के खातिर एक कलयुगी बेटे ने चाकू से गोदकर पिता की हत्या कर दी। हैरान कर देने वाली बात यह कि अपनी इस करतूत पर पर्दा डालने के लिए आरोपी बेटा चुपचाप पिता का अंतिम संस्कार करने लगा, लेकिन पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया। ये पूरा मामला जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां सिंचाई विभाग में तैनात गुलाब सिंह जल्द ही रिटायर होने वाले थे। आरोपी बेटा मनोज उनकी हत्या कर मृतक आश्रित कोटे से नौकरी पाना चाहता था। इस बात को लेकर पिछले कई महीनों से दोनों में विवाद था और इसी बात को लेकर मनोज ने चाकू से गोदकर पिता की हत्या कर डाली। क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? हाँ, गिरफ्तारी, लड़के को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ये मृतक जो है ये रिटायर भी होने वाला था अभी 4-5 महीने बाद। ऐसा लगता है कि मारने के बाद में ये लोग डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे थे, लेकिन सूचना मिल गई तो बॉडी को रिकवर कर लिया गया और इस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मरने के बाद में ये इसका मकसद ये था कि उसकी जगह पर अपने पिता की जगह पर नौकरी पाने का। किस विभाग में थे? सिंचाई विभाग में ड्राइवर था मतलब।
और अब आपको दिखाते हैं सरकारी सिस्टम के पोल खोलने वाली खबर। अधिकारियों के लिए महल, सिपाही के लिए खंडहर, कुछ ऐसी तस्वीरें लखनऊ से सामने आई हैं। पुलिस लाइन इलाके के करीब 88 साल पुरानी जर्जर इमारत की रेलिंग गिरने से एक सिपाही की मृत्यु हो गई। हैरानी की बात यह कि इस इमारत को अवैध घोषित कर दिया गया था, बावजूद इसके इस इमारत में न सिर्फ 20 से 25 रह रहे थे बल्कि इस इमारत के निचले हिस्से में पुलिस कंट्रोल रूम चल रहा था। सवाल उठता है कि आखिर इस दर्दनाक मौत के पीछे जिम्मेदार कौन है? वो सिपाही जो दिन रात मेहनत करने के बाद थोड़े से आराम के लिए इस इमारत में रह रहे थे, या वो अधिकारी जो जर्जर हो चुकी इन इमारतों की तरफ देखते तक नहीं थे? यूपी के आगरा में पुलिस ने 1,40,00,000 रुपए के साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हवाला की रकम को तीन आरोपी ग्वालियर से दिल्ली लेकर आ रहे थे। पैसे का ताल्लुक दिल्ली के किसी मनोज कुमार जैन से जुड़ा है। पुलिस ने चेकिंग के लिए जब गिरफ्त में आए तीनों आरोपियों की गाड़ी रोकी तो गाड़ी से पुलिस को ये पैसा मिला। पैसे के बारे में जब पुलिस ने इन लोगों से पूछा तो ये लोग कोई जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने तीनों की गिरफ्तारी कर ली। पुलिस अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पैसे के जो लोग हैं, जो तार है, वो कहां कहां और किन लोगों से जुड़े हैं। इनकी बातचीत से ऐसा प्रतीत होता है कि ये हवाला ट्रांजैक्शन हो सकता है, क्योंकि इनको किसे ये कैश डिलीवर करना था इसकी भी जानकारी नहीं थी। इनका कहना है कि ये हमें फ़ोन पर जब दिल्ली पहुंचने के बाद जो इनके मालिक हैं वही सूचना देते, वो आदमी आता, इनसे बात कराता और फिर उसको ये कैश डिलीवर करते। इस दौरान तीन लोग पकड़े गए हैं, ये तीन लोग पकड़े गए हैं। संबंधित प्रकरण में आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है, वहां से टीम आकर इसकी गहन छानबीन करेगी और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को फोन पर अज्ञात व्यक्ति से मिली धमकी पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जांच का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके पर्सनल मोबाइल नंबर पर कॉल कर हिसार नहीं आने की चेतावनी दी थी। फोन करने वाले अज्ञात व्यक्ति ने डॉक्टर चंद्रा को आगाह करते हुए कहा कि अगर वो हिसार आते हैं तो जान और मान सम्मान से हाथ धो बैठेंगे। इस मामले में डॉक्टर सुभाष चंद्रा की तरफ से हिसार सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वस्तुस्थिति क्या है, पुलिस इसकी छानबीन करेगी और छानबीन करने के बाद ही जो कोई बात होगी उसमें असलियत में जाएंगे कि इस प्रकार का काम करने वाला व्यक्ति कौन है, किसकी शय पर कर रहा है, क्या वास्तविकता है क्या नहीं है, पुलिस की छानबीन के बाद ही पता लगेगा। देश में सूखे से प्रभावित राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मदद का ऐलान किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मध्य प्रदेश को 2022 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र को 3100 करोड़ रुपए दिए, जबकि छत्तीसगढ़ को 1672 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार पिछली सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार राज्यों को ज्यादा तवज्जो दे रही है ताकि सूखाग्रस्त स्थिति से निपटा जाए, कम बारिश वाले क्षेत्रों में कृषि एवं किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई हो। इसी कड़ी में राज्य आपदा कोष में केंद्र से मिलने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। महाराष्ट्र को 3100 करोड़ और मध्य प्रदेश के लिए 2022 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है, और इसके पहले जो बैठक हुई थी तो कर्नाटक के लिए भी 1546 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। दाल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के दौरान ज्यादा मुनाफा कमाने के मामले में इनकम टैक्स विभाग हरकत में है। दाल इंपोर्टर्स समेत कमोडिटी का वायदा कारोबार चलाने वाले एक्सचेंज NCDEX पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। जानकारी मिली है उसके मुताबिक NCDEX के मुंबई के एक दफ्तर में छापेमारी हुई है। खबर यह कि दाल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के दौरान ज्यादा मुनाफा कमाने के मामले में छापेमारी हुई है। हालांकि एक्सचेंज का कहना है कि इनकम टैक्स विभाग का सर्वे एक रूटीन प्रक्रिया और एक्सचेंज इस सर्वे में पूरा सहयोग कर रहा है। NCDEX का दावा है कि एक्सचेंज पर कारोबार में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। यूपी में बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास मिशन की शुरुआत हुई। जिस मकसद के साथ ये शुरुआत हुई वो आज साकार होती नजर आ रही है। इसी कड़ी में ताजनगरी आगरा में आज सीएम अखिलेश ने 1000 प्रशिक्षणार्थियों को नियुक्ति पत्र और 100 लड़कियों को विद्यादान के चेक बांटे। इस मौके पर युवाओं को रोजगार और बेहतर प्रशिक्षण दिलाने के लिए 6 और कंपनियों से MOU साइन किए गए। ताज नेचर वॉक में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि हुनर हर युवा के पास है, हम सिर्फ साधन और मौका दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम में स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम अगर कहीं चल रहा होगा तो वो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और हमारी कोशिश होगी कि इस कार्यक्रम को और तेजी से बढ़ाएं, सरकार का जो सहयोग दे सकते हैं वो दें, ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करा सके।
और इधर काम भी शुरू किया है तेजी से। तमाम विभागों ने नौकरी दे भी दी है और तमाम नौकरी आगरिक चल भी रही है। सिद्धार्थनगर में आज से कपिला वस्तु महोत्सव का आगाज हो गया। 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में भगवान बुद्ध से संबंधित कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विदेशी पर्यटक और विदेशी छात्र जब आएंगे तो इसके लिए अपने आप धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, डेवलप करने में समय लगेगा।